सोखड़ा हरिधाम चकचारी अनु चौहान मारामारी केस की केटलीक विगतो अत्यारे सामे आवी रही छे। पांच संतो सहित सातेय आरोपी की धरपकड़ करी लेवामां आवी छे। वडोदरा तालुका पोलिस स्टेशन में धरपकड़ सहित की कानूनी कार्यवाही अत्यारे चालू छे। पोलिस मथके थी तमाम आरोपीओ ने मळी शके छे जामीन। तो वडोदराना सोखड़ा हरिधाम मारामारी विवाद केस में आ एक मोटी कार्यवाही अने त्यांना दृश्य पण आप जोई रह्या छो। पांच संतो सहित सात लोकोनी सात जेटला आरोपीओनी धरपकड़ करवामां आवी छे अने अत्यारे वडोदरा तालुका पोलिस स्टेशन में आ कानूनी कार्यवाही पण चालू छे। आपने जणावी दईए के सोखड़ानुं जे हरिधाम छे थोड़ा समय थी विवाद में आवी गयुं छे अने अहींया अनुज चौहान नामना व्यक्ति ने मार मारवामां आव्यो हतो। त्यार बाद सामे आव्यू के सोखड़ा हरिधाम में बे संतोना जूथ में वेचाई गयु छे हरिधाम। त्यार बाद एक पछी एक नवा खुलासा सामे आव्या हता। अमदावाद सुधी तेना तार पहोंच्या हता। अनुज चौहान पहला अन्य बे युवानोने पण मार मारवामां आव्यो हतो अने ए अमदावादना युवानोनी माताओ सोखड़ा हरिधाम में संतोने रजूआत करवा पहोंची हती। तेनो वीडियो बनावी रह्यो हतो अनुज। सोखड़ा स्वामीनारायण हरिधाम मंदिर नी अंदर अनुज चौहान ने मार मारवाना मामले जे पांच संतो सहित सात लोगों विरुद्ध गुनो नोंधायो हतो ते तमाम लोगों विरुद्ध वडोदरा तालुका पुलिस द्वारा कानूनी कार्यवाही पूर्ण करवामां आवी छे अने हवे તેઓને વિધિવત રીતે ધરપકડ સહિતની કાનૂની કાર્યવાહી બાદ પોલીસ મથકેથી જામીન આપવામાં આવ્યા છે અને અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો કે જે પાંચ સ્વામી સહિત સાત આરોપીઓ છે તેઓની સામે જે ગુનો નોંધાયો હતો કાનૂની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા બાદ આ તમામને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવેલા છે અને હવે પોલીસ દ્વારા આગળની તપાસ કરવામાં આવશે। કેમેરામેન નિકિશોની સાથે ઇનુસ ગાઝી ટીવી 9 વડોદરા। तो वडोदराथी आप सांभळी रह्या हता संवाददाता युनुस गाजी ने। पांच संतो सहित सात आरोपीओनी पहेला धरपकड़ कराई अने त्यारबाद तेमने जामीन पण मळी गया छे। आरोपो एवा थई रह्या छे के प्रबोध स्वामी अने स्वरूप स्वामी एम बे जूथोमां सोखड़ानुं हरिधाम वेचाई गयुं छे अने अनुज चौहाणे केटला गंभीर आक्षेपो कर्या हता अने खास तो ते पोताना परिवार साथे एस्केप पण थई गयो हतो। અને ત્યારબાદ અનુજને વારંવાર પોલીસે રજૂઆત કરી કે નિવેદન માટે સામે આવે। ગઈકાલે અનુજ પોલીસ સમક્ષ હાજર થયો હતો, નિવેદન આપ્યા હતા પોલીસને અને ત્યારબાદ પોલીસે આ કાર્યવાહી કરી છે। તો તમામની નજર એ હતી કે અનુજના નિવેદન પછી પોલીસ કઈ દિશામાં કાર્યવાહી કરશે અને આ સમગ્ર પ્રકરણમાં શું વિવાદ નવો વળાંક આવશે। તો હવે આજે પોલીસે આ ઠોસ કાર્યવાહી કરી, सात जेटला आरोपी ने धरपकड़ करवामां आव्या, परंतु तमाम ने तुरंत जामीन पण मळी गया छे। हवे आगामी कई कायदाकीय प्रक्रिया थशे ते पण जोवू रह्यो।